आज के वीडियो में आपको करण और तेजस्वी की शादी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करण और तेजस्वी का कपल इस वक्त टीवी इंडस्ट्री का मोस्ट टॉक्ड कपल है और इस कपल को लेकर हर समय चर्चा होती रहती है और पापराजीज और फैंस इनकी एक झलक देखने के लिए बेकाबू रहते हैं। हर समय इनके पीछे पापराजीज लगे रहते हैं और दोनों की साथ में पिक्चर्स फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस 15 का टाइटल जीतने के बाद अपने लिए बहुत सारे दरवाजे खोल लिए हैं और उनके लिए अब काम ही काम है और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बट स्टिल काम में बिजी होने के साथ साथ वो करण कुंद्रा के साथ डेट कर रही हैं और दोनों की केमिस्ट्री बिग बॉस 15 के घर से स्टार्ट हुई। बिग बॉस 15 में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। बिग बॉस 15 के घर में दोनों एज अ कंटेस्टेंट्स गए और दोनों में प्यार हो गया। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और लव केमिस्ट्री बिग बॉस के घर से फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। फैंस दोनों की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और दोनों के बीच एक कपल का जो रियल रिलेशनशिप है वही देखा गया। दोनों के बीच लड़ाइयां भी हुई और दोनों के बीच प्यार मोहब्बत को भी देखा गया। घर से निकलने के बाद करण और तेजस्वी जिस तरह दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल है और अक्सर देखा जाता है कि बिग बॉस के घर में जो जोड़ियां बनती हैं वो बाहर निकलने के कुछ समय बाद ही खत्म हो जाती हैं। बट ये जोड़ी ऐसा लगता है कि अपना रास्ता आगे बनाने वाली है और नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने वाली है। जी हाँ, आपने ठीक गैस किया, करण और तेजस्वी की शादी को लेकर खूब चर्चा होने लगी है। रिसेंटली करण कुंद्रा ने अपने पेरेंट्स के साथ तेजा के घर का विजिट किया। करण कुंद्रा और उनके पेरेंट्स तेजस्वी के घर गए और अब रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि करण कुंद्रा और तेजस्वी के पेरेंट्स मिलकर दोनों की शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं और बहुत जल्द दोनों शादी या एंगेजमेंट कर सकते हैं। अब तक करण और तेजस्वी ने तो इस बारे में कोई बात नहीं की है, बट रिपोर्टेडली यही बताया जा रहा है कि करण के पेरेंट्स तेजस्वी के घर इसी कारण गए थे। वहाँ बहुत अच्छा सा डिनर किया सबने मिलकर और उसके बाद इसी तरह की बातें हुई। अब दोनों एंगेजमेंट करते हैं या डायरेक्ट शादी करने वाले हैं, इस बारे में अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। बट करण के फादर हमेशा तेजस्वी को ऑन करते हैं और जब भी मीडिया उनसे तेजस्वी और करण की लव स्टोरी को लेकर बात करता है तो वो हमेशा यही कहते हैं कि करण मेरा बेटा है और तेजस्वी मेरी बेटी है और मैं उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही समझता हूँ। ऑल्दो दोनों का कपल एक साथ बहुत अच्छा लगता है एंड वी विश देम अ बेटर एंड प्रॉस्पर फ्यूचर टुगेदर। आपको दोनों की शादी के बारे में जानकर कैसा लगा और आपको इन दोनों का कपल कैसा लगता है हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।